गंडक नदी में डूबी दो बच्चियां, एक को स्थानीय लोगों ने बचाया, दूसरी लापता। भाजपा की रैली में बोले दिलीप घोष, खत्म हो गया है कोरोना वायरस। युद्ध हुआ तो चीन की मोल्डो सैनिक छावनी को तबाह कर देगा भारत, कर रखी है घातक तैयारियां। कोरोना काल में परीक्षा कराए जाने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की संशोधित गाइडलाइन। यूएई नहीं पहुंचे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाड़ी, फिर भी केकेआर के लिए खेल सकेंगे पहला मैच। रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीद सकती है अमेज़न, सूत्रों के हवाले से खबर। कोरोना वायरस केस में एक दिन में दर्ज किए गए संक्रमण के 96,551 नए मामले। यूएस ओपन में सेमीफाइनल में हारी सेरेना, अंजरेका पहुंची फाइनल में। आज सुबह 11 बजे 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, नई शिक्षा नीति की कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर होगी चर्चा। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार फिलहाल निशान में फिसला, सेंसेक्स 38,800 के नीचे। कंगना ने शेयर किया बाला साहब ठाकरे का पुराना वीडियो, पूछा क्या उनकी कांग्रेस पार्टी वाली बात सच हो रही है। भारत चीन सीमा विवाद, एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की बैठक में जिन 5 बातों पर बनी सहमति। 80 नई विशेष ट्रेन कल से पटरी पर दौड़ने लगेंगी, जान ले कुछ जरूरी बातें। अब कंगना की मां ने शिवसेना पर बोला हमला, इनके घर में बेटियां नहीं है। रैना मलिंगा भज्जी के ना होने से चेन्नई मुंबई को कितना नुकसान, कौन करेगा भरपाई। चीन का दुश्मन देश भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल रूस आया साथ। पेंगोंग के फिगर 4 पर बड़ा तनाव, चीनी जमावड़े के बाद भारत ने सैनिक बढ़ाए, बोफोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश में 13 आईपीएस अफसरों का तबादला, 8 जिलों के एसपी बदले गए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान को लगाई लताड़, राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा चीन के कब्जे से जमीन वापस लेने का कब है प्लान, या एक्ट ऑफ गॉड बनाकर छोड़ देंगे। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।